तीनों भी तो पता नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं, ये मेरा फर्स्ट राइड है इस ग्रुप के साथ। तो आज की राइड है चिट चैट विद थिंग्स विंग। सभी पुराने हो, नए भी हो, चिट चैट विद थिंग्स विंग सबको पता होगा ये क्या चीज, कोई शेयर करे तो बीप लगा रहे हैं। उल्टा बैठूंगा, पागल हो जाए। जो प्राइसिंग है लगा देंगे आप लोगों के लिए, सही प्राइस लगा देंगे। वैसे थर्ड हेलो दोस्तों, अभी हम जाएंगे राइडिंग करने। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी हमारे एक राइडर को दिखाना चाह रहे हैं, वो है हमारे जीजा। तो ये भी रेडी हो चुके हैं, अभी 6 बज के 10 मिनट हो गए, अभी दिल्ली जा रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, और अभी तो हमने यही पहन रखा है, इसके ऊपर जैकेट पहनेंगे क्योंकि ठंड बहुत है बाहर, और आज निकल रहे हैं। तो ये हमारा छोटा सा बैकपैक, और इसमें कैमरा सैमरा है राइडिंग रिलेटेड। ट्राइपॉड बड़ा है बहुत। अरे नहीं, वो स्टैंड के खड़ा करना है ना ब्रिज के ऊपर, तो कहीं लटका के नहीं तो हाथ से भी तो पकड़ लेगा, होल्ड ही तो करना थोड़ा सा रख के। और चलो दोस्तों, फिर हम निकल रहे हैं, तो वहां जाके आपको दिखाते हैं बाहर का सीन क्या हो रहा है। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं। मुझे पता है आपको आवाज़ बहुत ही कटी फटी सी और नॉइज जैसे आ रही होगी, क्योंकि हमारे जीजा ही है पटपटी। दिल्ली हाईवे से हम वहाँ मीटिंग पॉइंट पे, हमारे राइडर्स बहुत आ रहे हैं, उनसे हमें ज्वाइन करना है, फिर उनको फॉलो करते करते हमें कहीं भी जाना है उनके साथ साथ। तो आइए देखते हैं राइडर्स की लाइफ कैसे होती है, और कौन कौन उनके साथ होते हैं, कौन लीड करता है, वो सब हम देखेंगे वहीं पर जाकर। बस हमें अब हम हाईवे पे बस पहुंचने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दिल्ली हाईवे। ये है आगरा हाईवे और ये दिल्ली हाईवे। तो अभी हम मीटिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, तो सोचा भगवान को प्रणाम करते हुए यहाँ से निकले। जय श्री राम। और जीजा जी, हाँ दोस्तों, अभी हम मीटिंग पॉइंट पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर सब लाइन वाइज से बाइक खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं, राइडिंग ग्रुप ज्वाइन हमने कर लिया है। तो हमारे साथ हमारे जीजा और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो धीरे धीरे करके हम जब राइडिंग करेंगे, दोस्ती करेंगे, मुलाकात होगी। और अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल नया हूँ, और हमारे जीजा यहाँ के बिल्कुल एक्सपीरियंस और भी नए। तो इन्होंने भी ये ग्रुप अभी ज्वाइन किया है, तो देख पा रहे हैं। जी, आपको यहाँ पर आगे कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया राइडिंग ग्रुप? घड़ी देख रहे हो? तो इन्हें भी कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं, ये मेरा फर्स्ट राइड है इस ग्रुप के साथ। अच्छा, तो पहले और भी थे वो अलग है, ये मेरा फर्स्ट राइड है इस ग्रुप के साथ। तो अभी के और आने वाले, कितने बजे यहाँ से निकलेंगे? कुछ नहीं पता, अभी निकलने का वैसे टाइम हो चुका है। अच्छा। पर कब निकले वो ग्रुप हेड के ऊपर है। ओके, तो आपको मैंने पहले ही गाड़ी दिखा चुका था, बाइक से यहाँ पर लाइन वाइज सब गाड़ी लगे पड़े। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम टू ऑल। तो वी आर
राइडिंग टूवर्स अरावली हिल्स, बहुत ही अच्छी जगह, आप सभी को पता होगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं, ब्रीफिंग के बाद होगा फ्लैग ऑफ। तो जैसे ही सबको पता है कि हमारा फर्स्ट ऑफिशियल स्टॉपेज रहता है एमबीएस मॉल, जहाँ से हमें 5 to 6, 7 राइडर्स और ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज की राइड है चिट चैट विद सिंग स्विंग्स। सभी पुराने हो, नए भी हो, चिट चैट विद सिंग स्विंग्स सबको पता होगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि मीटअप के बाद से ही हम लोग इकट्ठे बैठ गए, हमने बातें शाते नहीं करी है, चिट चैट नहीं करा है। और इस राइड का जो मोटिव होता है कि कुछ बीत गया, कुछ आने वाला है, वो डिस्कस करें अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपने अपनी अच्छी बातें, जोक्स और फालतू के मजाक। तो फर्स्ट टाइम से याद आया जिनका फर्स्ट डे ग्रुप में, गाइस वेलकम टू सिंग स्विंग बाइकर्स ग्रुप। तो अभी यहाँ से एमबीएस मॉल रहेगा, एमबीएस मॉल से फिर हमारा मानेसर टोल रहेगा। जैसे कि सबको पता था कि इसमें हमने ब्रेकफास्ट रन भी ऐड करा है। ब्रेकफास्ट रन इसलिए होता है कि ग्रुप को थोड़ा सा फ्री फ्लो एक्शन दिया जाता है कि आप राइड लीडर्स को या मास्टर्स को क्रॉस कर सकें, और अपनी आपको अगर 100 प्लस जाना है या 130 तक जाना है, 150 और 180 तक जाना है, तो आप जा सकते हैं। प्लीज राइड सेफ। जो हमारा रन है वो एमबीएस मॉल से रन शुरू होगा और मानेसर टोल तक रन होगा। और रन की बात करूं मैं, तो ये नहीं है कि अंधाधुन भगा रहे हो आप लोग, मेक श्योर ग्रुप का पार्ट हो, आप याद रखना हम ग्रुप के साथ ही जाएंगे, ग्रुप का साथ ही आएंगे। और डायरेक्शन बता रहा था मैं, दिस इज फॉर राइट, दिस इज फॉर लेफ्ट, दिस इज फॉर स्टॉप, ये रुकने का होता है, दिस इज फॉर जंप राइट, ये राइट में बहुत बड़ा खड्डा आ रहा है गाइस, प्लीज बिहेवर, और दिस इज फॉर लेफ्ट, और दिस इज फॉर स्लो डाउन, एंड दिस इज फॉर स्पीड अप। तो ये थे कुछ कॉल टू एक्शन, आप लोगों को याद रखने हैं। और गाइस प्लीज प्लीज सेफ्टी इज मस्ट। मैं जो पहली बार आया है और जो पुराने भी होते जा रहे हैं, तो उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज राइडिंग गियर्स ले लीजिए। 2 लाख की आपने बाइक तो ले ली है, बटा 10,000 की जैकेट भी ले लो जल्दी से जल्दी, तो बहुत जरूरी है ये सब। जगह पे आए हैं जहाँ पर राइडिंग ग्रुप सब लोग ज्वाइन होते हैं यहाँ पर, तो देख पा रहे हैं बहुत सारे राइडिंग ग्रुप यहाँ पर ही, यहाँ से निकलते सब लोग एमबीएस मॉल, बहुत सारे लोग हैं। ये एमबीएस मॉल आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर सब एग्जॉस्ट की आवाज़ करेंगे। कुछ 2-4 राइडर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो इसी वजह से हम एमबीएस मॉल पे आए। तो आवाज़ मुझे पता आप लोग को नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शोर शराबा नॉइज सब कुछ है यहाँ पर। तो हमारे जो राइडर जो हमें राइडिंग को लीड कर रहे हैं, ये हमारे गुरु जी है, सर है यानी, तो ये हमें लीड कर रहे हैं, ये का गुरु है। निकाल के वो वाला, चल 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 चाबी निकाल।
दोस्तों हम जहाँ पर आए हैं ये शॉर्ट लेने अरावली हिल उल्टा बैठूंगा पागल हो जाए और क्या पीछे करके। तो मैं इस जगह जानता नहीं हूँ, तो जीजा जी आप बताइए कौन सा जगह है। ये लियोपर्ड ट्रेल है, लियोपर्ड ट्रेल गुड़गांव का फेमस बाइकिंग राइड एरिया है। ये यहाँ पर बहुत सारे कैफेज होते हैं जहाँ पर बैठ के हम ब्रेकफास्ट राइड ये सब कर सकते हैं। नॉर्मली ये बहुत ही राइडर्स ही आते हैं मेनली, यहाँ पर कार वाले भी आते हैं पर मेनली राइडर्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर नोटिस किया साइकिलिंग भी होती है, साइकिलिंग भी होती है। हाँ साइकिलिंग भी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जीजा ने बताया कि ये एक जगह है जहाँ पर राइडर्स लोग बहुत आते हैं। रील्स अच्छी बनेगी। इसके साथ इसमें ये बैटरी जो है इसकी डिटैचेबल बैटरी है, आराम से कहीं पे भी ले जाके इसको कहीं पे भी कैसे भी चार्ज कर लीजिए। और सर चार्जिंग टाइम क्या होगा इसका बैटरी का? 3 घंटे। 3 घंटे हाँ, फास्ट चार्जिंग है। नहीं तो जनरली जिससे भी और साइकिलें लेते हैं देखते हैं हम ब्रांड के, इसको आप लगा भी सकते हैं। सर इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड इसमें अगर हम जाएंगे तो 25 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड है। तो ये लगभग अराउंड 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की रेंज दे देता है। अब लो मोड में चलाएंगे इसको तो 50 किलोमीटर तक जाती है ये। और स्पीड सर इसकी लो मोड में? लो मोड में इसकी स्पीड 15 की है, 14-15 की लो स्पीड में। ये इसका डिजिटल मीटर है जिसमें अभी लो मीडियम एंड हाई ये चीज़ें दिखाता है। और सर सबसे ज़रूरी चीज़ इसकी प्राइसिंग? इसकी जो प्राइसिंग है लगा देंगे आप लोगों के लिए सही प्राइस लगा देंगे। वैसे 30,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, 34 इसकी है। इसका सबसे खास बात है एक तो इसमें ये फुली इक्विप्ड साइकिल है, ठीक है। इसकी ये जस्ट फुल बाइक की जैसे इसका मीटर है। इसमें 369 किलोमीटर अभी तक ये हम चला चुके हैं। फिर इसमें ट्रिप मीटर है ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि कितनी इसकी वोल्टेज अभी रिमेनिंग है, कितनी वोल्टेज रिमेनिंग, क्योंकि इस वोल्टेज के हिसाब से आपको एवरेज का पता रहेगा कि आप और कितना इसमें चला सकते हैं। फिर इसके बाद ये इसका टाइम है कि कितने टाइम तक हम चला चुके हैं साइकिल को। फिर वही चीज़ें रिपीट हैं। और ये देखिए फोन का ये इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके अंदर ना पेडल पे इधर यहाँ पे अंदर सेंसर लगा हुआ है। जैसे कि चढ़ाई के वक्त अगर आप चढ़ाते हो साइकिल तो आपको अपने पैरों पे प्रेशर बहुत ही कम आएगा, जिसके आपकी स्मूथ राइड को भी थोड़ा एफिशिएंट मिलेगा और थोड़ी एवरेज भी ज़्यादा मिलेगी आपको। आप अपना पैसा पॉकेट भी बचाएंगे और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। अब चला के देखो आप